अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? मेरे ठीक ठाक होंगे। तो फुल टाइम बीमार सुबह हमारी हो चुकी है, रात को बारिश में भीग के आया हूँ। रात को जब बाहर भी गया ना, हवा लग गई उसकी वजह से, तो अब निकल तो पड़े, इसलिए आज ड्यूटी चेंज करवाई है और जा रहे हैं शोरूम इनके साथ। ये बशिंदा हर जगह पर है मेरे गुनाहों में शामिल और ड्यूटी में भी। चलो चले हैं, चलते हैं फटाफट ऑफिस। सो फाइनली शोरूम पहुंच चुके हैं। आवाज़ आपको मेरी बहुत स्लो आ रही होगी, क्यों? गला बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल ही ख़राब है, हिला तक नहीं जा रहा, बहुत हालत ख़राब है। खैर अब ड्यूटी भी देना ज़रूरी है, काम भी करना ज़रूरी है। पहुंच तो गए हैं, आप करते हैं रूटीन के मुताबिक अपना काम, लेकिन उससे पहले नाश्ता भी करना है, क्योंकि नाश्ता घर से करके नहीं आया। नाश्ता करना है, मेडिसिन लेनी है, उसके बाद फिर काम करेंगे। तो करते हैं फटाफट से नाश्ता। खाना वगैरह हो चुका है हमारा स्टार्ट, लेकिन नाश्ता नहीं है, खाना दोपहर का, सुबह वीडियो बनाना बोल गया, वीडियो जा गई। चलो अब फटाफट करते हैं दोपहर का लंच, खाना खाते हैं और फिर उसके बाद अपने काम। सो जी, ड्यूटी टाइम इज ओवर नाउ। अब हम जा रहे हैं एक काम बड़ा ज़रूरी, जो कि है शादी हॉल का फाइनल करने के लिए। लास्ट टाइम हम गए थे शादी हॉल देखने के लिए, गढ़वालों के साथ गया था, तब देख तो लिया था लेकिन अभी फाइनल नहीं था हुआ। आज उनसे डेट मैंने फाइनल करनी है कि डेट कौन सी दे सकते हैं आराम से, जो इजीली डेट मिल जाए, जो हमें समझ आ रही है वो डेट पूछते हैं। अगर ये कहते हैं उनको वो फ्री हुई डेट, तो फिर हम इसकी बुकिंग आके करवा लेंगे कल, नहीं तो परसों, एक आधे दिन के अंदर आके बुकिंग करवा लेंगे। अभी चलते हैं, जाके पहले उनसे मीटिंग करते हैं, मीटिंग क्या फाइनल होती है, फिर उसके बाद घर जाके मशवरा करके फिर उसको करेंगे फाइनल। तो चलते हैं पहले शादी हॉल। तो कनाल है ना, कनाल से इस साइड से ये इधर से हम इधर जाएंगे अपने घर की तरफ, स्टेशन की तरफ वो जगह देखते हैं ये फाइनल क्या होता है हमारा, क्या फाइनल बनता है वो देखते हैं अंदर जाके ऑफिस में बात करके। तो जी, बात वगैरह उनसे हमने कर ली है, लेकिन उन हमें डेट जो चाहिए थी वो डेट तो नहीं मिल रही, लेकिन उसके अलावा तीन डेट्स मिल रही हैं। अब देखो कि उन तीन डेट्स में से घर वाले कौन से सेलेक्ट करते हैं, अब जाके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा घर वाले से मशवरा करके, फिर घर वाले ही आएंगे। और अभी मैं तो जा रहा हूँ वापस घर, घर जाकर उनसे मशवरा करते हैं कि क्या प्रोग्राम बन रहा है उनका, किस डेट का फाइनल करते हैं। तीन डेट्स उन्होंने मुझे फाइनल दी हैं सर्दियों में, यानी कि 2023 आ जाएगा, तो तब लेट्स सी क्या फाइनल होता है, अब घर जाके देखते हैं। सो जी, मैं पहुँच चुका हूँ घर और फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, चेंज वगैरह भी कर लिया, अब चल रहा हूँ रूटीन के मुताबिक खाना वगैरह खा के बाहर हमजा भाई के साथ। अभी कॉल किया मैंने उन्हें, आज मैंने बाइक निकाला, क्यों? एक तो मेरी बाइक बहुत गंदी हुई है, ज़रा दोबारा बारिश की वजह, जो कल हुई थी ना बारिश, उसकी वजह से फिर बारिश सारी की सारी गंदी हुई पड़ी है बाइक, इसको भी बारिश कही जा रहा है बाइक। और अब हमजा भाई को बुलाया, हमजा भाई आ रहे अपनी बाइक पर, मैंने आज रोड वगैरह तो साफ है लेकिन मैंने इसको निकालना नहीं है, तो चलते हैं फिर बाहर देखते हैं क्या प्रोग्राम है आज का। तो जी, हमदा भाई उधार के मेरे चले गए हैं छोड़ कर, क्योंकि आज हमारी इन्जॉयमेंट हो गई कैंसिल होने की वजह थी कि थकावट बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने रास्ते में सामान पकड़ के घर ही आ गया। और आज हम खाएंगे आइसक्रीम, क्योंकि मुझे दिल करता सुबह से आइसक्रीम खाने का, तो आइसक्रीम खाते हैं बराबर से और साथ में खाना भी खाते हैं। खाना खाया दोबारा भूख लगती है, पहले खाना खाते हैं फिर आइसक्रीम खाएँगे। आज हमारा बबलू जी बहुत उदास है, हमारा बबलू बिल्ले दुमची हिला के दिखानी है, कहतो बिल्ले नहीं आऊँ किस बात की उदासी है। ओ हेलो बिल्लू, नो रिस्पॉन्स, हेलो नो रिस्पॉन्स, आओ जी ने बाबा मारो। सो जी, ये वीडियो कंप्लीट हो रही है, नेक्स्ट डे मतलब कि पार्ट टू बन रहा है नेक्स्ट डे, क्यों? क्योंकि रात को जब मैं आया हूँ ना, तो आके ना मेरी तबीयत नहीं ठीक कुछ, उसकी वजह से मैं एक तो थक भी बहुत गया था और मेरी गला इतना शदीद दर्द होता है, अगर आगे मेरे से बोला मेरा जाड़ा बहुत हालत ख़राब थी, इसलिए मैं सो गया था, मेडिसिन वगैरह दी लेके मैं सो गया। फिर उसके बाद सारा दिन रूटीन का काम किया, अब सारा दिन बल्कि गुजर चुका है, अब शाम हो रही है, तो अभी मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ ये वाली। तो खैर, रात को तो बाहर घूम फिर के हम लोग वापस आ गए, तो अब देखें डेट तो अभी फाइनल हमने कर ली है,
लेकिन बताऊंगा नहीं अभी। तीन डेट्स थी, तीन डेट्स में से जो कि शादी की तीन डेट्स हमें मिली थी, तीन डेट्स में से हमने एक फाइनल कर लिया। तीन डेट्स थी, आप तीनों बता आपको कौन कौन सी थी, अब वो देख लें। एक थी 4, एक थी 11, एक थी 18, कोई एक फाइनल कर लिया हमने, ठीक है। वो इधर वाली है, इधर वाली है, इधर वाली है, पता नहीं कौन सी है, बताऊँगा नहीं अभी, लेकिन जल्दी देखने को मिलेगा। सो मंथ भी सर्दियाँ आ जाएगी, सर्दियाँ नहीं, ये भी नहीं अभी बताना, अभी नहीं बताना, बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो सर्दियों के मिड में करके शादी है, मेरी शादी नहीं है, मेरी सिस्टर की शादी है, तो फंक्शन सर्दियों में। तो डेट वगैरह हम डिसाइड कर चुके हैं, होटल भी डिसाइड कर लिया, लेकिन अभी उसको बुक करवाना है। अब जाएंगे आज, कल नहीं तो परसों जाएंगे बुक करवाने के लिए। सो ये अभी तक फैसला हुआ है घर वालों के साथ। तो अब करता हूँ मैं ब्लॉग को ख़त्म यहाँ पे, आपसे मिलता हूँ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता लग जाएगा, आगे से आगे 2 से 3 ब्लॉग में पता लगेगा कि क्या फ़ाइनल होता है हमारा, हर चीज़, ईच एंड एवरी थिंग। हो सकता है शादी और भी दिखाऊँ, लेकिन अभी नहीं दिखाऊँगा, इस वीडियो में नहीं दिखाऊँगा। डेट वैसे फ़ाइनल हो गई है, अभी तैयारियाँ भी करनी है, बहुत कुछ करना है, सब कुछ दिखाऊंगा ब्लॉग के अंदर। तो ब्लॉग को करो मैं यहीं पे ख़त्म, आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। जाएं से पहले लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखो, चेक करो और फॉलो करो फटाफट। यार मेरे 3000 होने वाले, 3000 कंप्लीट करवा दो, 3000 करवा दो यार, मेहरबानी होगी, जल्दी से चेक करो इंस्टाग्राम। ओके भाई।